डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसका बेसिक पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे अरेंज किया जाता है, इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं। रीअरेंज वाले भी आते हैं और ट्रांसलेशन में भी ये बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, जैसे सेंटेंस है, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा। ये एक सेंटेंस है हिंदी का। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, उसके लिए एक तो टेंस की जरूरत है, टेंस सीखना है। लेकिन बाद में समझ ये आती है कि उसको अरेंज कैसे करना है। जैसे ये मैं हो गया, मैं का आई, कल, कल यानी टुमारो, कल मींस टुमारो, तुम्हें, तुम्हें मींस यू, तुम्हें का हो गया यू, एक पेन, एक पेन दूंगा, शैल गिव। ये हिंदी का एज इट इज इंग्लिश में बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है, ये सेंटेंस के बेसिक पैटर्न में नहीं है, ये इसका जो अरेंज है वो सही नहीं है। तो उसको कैसे, वाक्य को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, उसका, उसको कैसे अरेंज करना है, इसके बारे में अपने को सीखना है। तो इसके लिए अपने को मेन चीज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सीखना होगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट मींस डूअर, करने वाला, कर्ता क्या है, वर्ब मींस क्रिया, एक्शन क्या है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद में उसको बेसिक पैटर्न में उसको कर्म वाइज उसको जमाना होगा। तो आइए डिटेल से सीखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब, ये सीक्वेंस रहेगा। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मींस डूअर, यानी सेंटेंस में कर्ता कौन है, उसमें काम किसके द्वारा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, इसमें जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट, वो कर्ता, ये कर्ता हो गया। तो मैं, इसमें नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। तो ये मैं, यानी ये डूअर है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद में फिर क्या आएगा, वर्ब, क्रिया आएगी। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब। अब देखिए, हिंदी के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है, और इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा वो पैटर्न वो अलग होगा। हिंदी में मैं के बाद में क्या आ गया, कल आ गया, लेकिन यहां मैं के बाद में कल नहीं आएगा, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। क्या आएगी, वर्ब। अब आइए सीखते हैं वर्ब क्या है, उसकी कैसे पहचान होगी। वर्ब, वर्ब शोज एक्शन, ये क्या करता है, एक्शन को शो करता है, काम, कार्य, जैसे प्ले, गिव, टेक, रन, रीड, टीच, राइट, ये सब वर्ब है। अब वर्ब दो प्रकार की है, इसको शॉर्ट में समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। एक सहायक क्रिया है,
जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब मींस ये हेल्प करती है मैन वर्ब की। मैन वर्ब मुख्य क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैन वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही जा रहे हैं वॉच वर्ब डू डस डिट हैज हैव हैड विल शैल ये सभी हेल्पिंग वर्ब और साथ में मॉडल वर्ब कैन कुड मे माइट मस्ट वुड शुड और टू यूज टू नीड नॉट डेयर नॉट ये सब इसमें मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी वर्ब। अब हिंदी में कैसे पहचान, जैसे सेंटेंस हो गया मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा तो यहां पर वर्ब क्या होगी दूंगा, वर्ब क्या है दूंगा और ये लगभग आपके वाक्य के एंड में ही होगी क्रिया। तो यहां पर आपको जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी वर्ब। ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट क्या है। कई बार ये कंफ्यूजन रहती है कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर या हिंदी के वाक्य को देखकर कैसे पता लगे कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा वर्ड है कौन सा शब्द है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की सिंपल सी पहचान है, ऑब्जेक्ट की पहचान है व्हाट और हु, यानी क्या और किसे, क्या और किसे या किसको, व्हाट एंड हु। आप उस व्हाट और हुम को सेंटेंस में रख लो फिर आपका जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कल तुम्हें क्या दूंगा, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, तो यहां पर एक पेन क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं कल एक पेन किसे दूंगा, मैं कल एक पेन किसको दूंगा, तो यहां पर तुम्हें जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों को क्लियर करते हैं क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को देखिए मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए एक तुम्हें एक पेन। मैं कल तुम्हें क्या दूंगा एक पेन दूंगा, मैं कल एक पेन किसे दूंगा मैं कल एक पेन तुम्हें दूंगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन, तुम्हें क्या हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान से सुनना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, यानी वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमेशा नॉन लिविंग होता है, ये ध्यान रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपके प्रोनाउन या नाउन होगी यानी लिविंग होगी वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी क्या है ऑब्जेक्ट है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं अंग्रेजी। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं किसे पढ़ाता हूं मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो यहां तुम्हें क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये तुम्हें क्या हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक पेन क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के टाइप्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की पहचान आपको बता दी व्हाट एंड हुम, क्या और किसे का उत्तर क्या है ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया क्रिकेट, मैं क्या खेलता हूं क्रिकेट खेलता हूं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है ये वो वर्ड है वो फ्रेज है जो उस सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करते हैं उसके बारे में अतिरिक्त बात बताते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में दो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएंगे कॉम्प्लीमेंट। फिर है ये एडवर्बियल, ये क्या है एडवर्बियल वे शब्द है जो प्लेस एंड टाइम शो करते हैं, समय और स्थान
शो करते हैं वो एडवर्बियल है, ये लास्ट मांगते हैं। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, तो इसका इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो ये अपना जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ये ग्रामेटिकल दृष्टि से ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये इसका जो अरेंज है वो सही नहीं है, सीक्वेंस इसका स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आई आएगा, क्या आएगा, मैं यानी आई यानी सब्जेक्ट। अब ये इसवो का बन गया, इसको शॉर्ट में ये इसवो का ये पैटर्न है, इसवो का मींस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहां पर आई हो गया सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट, यानी अब ये हिंदी का सेंटेंस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने को स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न वाइज सिक्वेंस वाइज चलना है। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। यहां पर वर्ब क्या है, दूंगा। अब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो आई शैल गिव, आई शैल गिव। अब विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई विल गिव, लेकिन वहां थोड़ा इंटेंस होगा, प्रोमिस का अभाव हो गया, आई विल गिव यानी मैं आपको निश्चित रूप से दूंगा। तो आई शैल गिव वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर चूंकि दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले क्या आएगा, आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू अ पेन, आई शैल गिव यू अ पेन, मैं कल तुम्हें एक पेन दूंगा। ऑब्जेक्ट हो गया आई शैल गिव यू अ पेन, दोनों ऑब्जेक्ट होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई शैल गिव यू अ पेन, अब पीछे क्या रहा, एडवर्ब कल, तो कल का क्या हो जाएगा, टुमारो, टुमारो, ये हो गया। तो ये इसका सेंटेंस ये बन गया है, आई शैल गिव यू अ पेन टुमारो। तो सेंटेंस हो गया आई शैल गिव यू अ पेन टुमारो। तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड आगे नेक्स्ट है तो कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब आ जाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ही प्लेज, ही प्लेज, ये सेंटेंस है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लेज क्या हो गया, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ही प्लेज, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, एस वी ओ ऑब्जेक्ट, ही प्लेज क्रिकेट। कॉम्प्लीमेंट का है, आई फाउंड हिम हैप्पी, आई फाउंड हिम हैप्पी, तो ये क्या हो गया, आई सब्जेक्ट फाउंड वर्ब हिम ऑब्जेक्ट, और हैप्पी क्या हो गया, हैप्पी जो है वो किसके बारे में बता रहा है, हिम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, वी इलेक्टेड हिम सरपंच लास्ट ईयर, हमने उनको पिछले वर्ष सरपंच चुना, तो ये हो गया वी सब्जेक्ट इलेक्टेड वर्ब हिम ऑब्जेक्ट सरपंच कॉम्प्लीमेंट, सरपंच क्या है, कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट ईयर हो गया एडवर्ब।